भाई और बहनों, दशहरा के दिन जब फ्रांस में पहला राफेल फाइटर जेट भारत को मिला, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे? सब लोग जवाब देंगे? वो दूर दूर पीछे खड़े हैं वो भी जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जब हमारी की सेना के पास लड़ाकू विमान राफेल जेट सेना के हाथ में आया, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद आया कि नहीं आया? आपका विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपको लगा कि नहीं लगा कि देश ताकतवर हुआ है? मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत की सैन्य ताकत बढ़ी, इस बात से आपको गर्व हो रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, और सिर्फ आपको नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का सीना भी आज गर्व से तना हुआ है दोस्तों, माथा ऊंचा हुआ है। लेकिन ये कांग्रेस नेताओं को न जाने क्या हो जाता है, जब जब जिस जिस बात को लेकर देश खुश होता है, लोग खुश होते हैं, आप लोग खुश होते हैं, उस बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं को बहुत तकलीफ होने लग जाती है। और ये बात सिर्फ राफेल तक सीमित मामले की नहीं है, हर उस बात पर जिससे भारत का गौरवगान होता है, भारत को सम्मान मिलता है, कांग्रेस के नेताओं का रवैया हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक ही रहता है। भारत को स्वच्छ भारत अभियान के लिए सम्मान मिलता है तो इनको दिक्कत होती है, दुनिया के बड़े बड़े नेता भारतीयों के कार्यक्रम में आते हैं, सम्मान देते हैं, तब भी इनकी नींद हराम हो जाती है, हर बात से इनको नाराजगी है। यहां तक कि आर्टिकल 370 को लेकर भी ये लोग देश और दुनिया में हाय तोबा मचा रहे हैं। हालात ये है कि आतंक के सरपरस्त इनके बयानों का सहारा लेकर भारत पर ही निशाना साध रहे हैं।